सो यहाँ पे ओपन हो रहा है मेरा ब्रांड न्यू रिंग लाइट। सो यहाँ पे ओपन हो रहा है मेरा ब्रांड न्यू रिंग लाइट दिवाली के दिन इसका शुभारंभ कर रहा है। वैसे तो मैंने पहले ही मंगा लिया, ये कोई गिफ्ट नहीं है मेरा दिवाली गिफ्ट, बस ये मैंने खुद ही मंगाया है अपना, है ना। दिवाली गिफ्ट मेरा बाकी है, ऐसे ही आके दे देते हैं कि लो शालू तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि दिवाली गिफ्ट अभी बाकी है मेरा, कुछ नहीं मिला है दिवाली में। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, एंड आज जो है वो दिवाली है और इसके पहले मैंने एक ब्लॉग जो है वो जस्ट सेंड किया है और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ नया ब्लॉग। सो व्हाट हैपन, सो अभी जो है वो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, सो प्रिपरेशन करने के लिए एक्चुअली, और उसके पहले पता है क्या हुआ, आज मेरा जो ट्राईपॉड है वो मिल ही नहीं रहा है। एक जो नया वाला ट्राईपॉड लिया था वो टूट गया, तो उसको बनवाने के लिए दिए, खैर वो रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड मैंने पहले ही ना रिंग लाइट मंगा कर रखा हुआ था, सो अभी जो है वो रिंग लाइट आशु खोल रहे हैं और देखते हैं कि कैसा होता है, आज दिवाली के दिन इसका भी उद्घाटन हो ही जाए। सो चलिए फिर अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं, 5 बज चुका है, सो 7 बजे तक मुहूर्त है, तो होपफुली सब कुछ टाइम से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। एंड आप सभी को दिवाली की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। टन टन, सो ये मेरा जो रिंग लाइट है वो ओपन हो चुका है। हाँ बट इसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मेरे को तो ध्यान ही नहीं था। रिंग लाइट थोड़ा तोड़ मत देना आशु, नहीं रे पूरा घूमने के लिए, नहीं तो वैसे कैसे कर दिए तुम, पता नहीं तोड़ दिए तुम, नहीं पापा बेंड कैसे हो गया, ये इतना बेंड थोड़ी होता है, बेंड होना है ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये बेंड होने वाला है, तुम कहीं भी घुमा सको इसको अपनी तरफ पीछे, हमको डरा के रख दिए थे। सो इसका जो रिव्यू है वो मैं यूज करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो फाइनली मेरा जो रिंग लाइट है वो इंस्टॉल हो गया, लग चुका है, एंड आई एम सो 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 हैप्पी। हाँ आशु नहीं लगाया है, बोलना जरूरी है। अच्छा सो अभी जो है वो 5 बज गए हैं एंड मैं जा रही हूँ फटाफट से जो मंगाया है मैंने भगवान जी के लिए कपड़े और उनके माला सब कुछ चेंज करना है। सो चेंज करने के बाद पूजा होगी, पूजा के बाद हम लोग दिया जलाएंगे। सो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, दिवाली हम लोग अभी सेलिब्रेट करेंगे। सो चलिए फिर। सो गाइज अब मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए और रिंग लाइट का आज फर्स्ट यूज भी हमने कर लिया। एंड पूजा की तैयारी करने से पहले मैं जितने भी भगवान जी के कपड़े हैं, माला है जो मैंने बिछाए हुए हैं यहाँ पर मंदिर में, कपड़े को सारे चेंज करूंगी, नहीं बिछाऊंगी, जिस जो आशु कल ही लेकर आ गए थे बट मैंने रख दिया था क्योंकि दिवाली के दिन ही हम लोग ये सब चेंज करते हैं नया नया। एंड मतलब साल भर में एक ही बार चेंज होता है ये सब चीज, उसके बाद फिर साल भर तक हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, बस बीच बीच में क्लीन कर लेते हैं मंदिर, या फिर बीच बीच में जो कपड़े हैं, माला है, ये सारी चीजें क्लीन हो जाती है। सो मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ ये देखिए जो आशु जो कपड़े लेकर आए हैं वो इस टाइप से लेकर आ गए थे ना कि वो जैसे भगवान जैसे फ्रेम है, फोटो फ्रेम है भगवान जी का, तो ऊपर से आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी कि ऊपर से चुनरी या फिर कपड़ा जो है वो हम लोग पहनाते हैं, बट ये वाले कपड़ा ऐसा था कि ऊपर आ ही नहीं रहा था, तो फिर उनका ही आइडिया था कि नहीं नीचे से इस तरीके से कर लो, फिर बाद में होगा तो मैं और चुनरी वाले और जो कपड़े हैं वो मंगा लूंगी। और बस यहाँ पे रेडी हो गए हमारे भगवान जी और उसके बाद अब पूजा की तैयारी करेंगे। सो मैंने नीचे हमारा जो ये कैबिनेट है इसी पे मैं पूजा कर लूंगी, स्पेशली मैंने पूजा नहीं किया था इस बार, आशु ने किया पूजा क्योंकि आदु को भी देखना था और वो इस टाइम पे जो पूजा का मुहूर्त था 5 से 7 के बीच में, एकदम उसके सोने का टाइम होता है और वो बहुत बीच बीच में उठ जा रहा था, इरिटेट हो रहा था, तो मैं उसको बीच में जाकर देख भी रही थी, गोदी भी ले रही थी। सो इसी टाइप से क्योंकि हमें तो मन था कि हम लोग तीनों साथ ही में पूजा करें, बट नहीं, कभी छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, बट कोई नहीं, पूजा अच्छे से हो गई थी। एंड ये देखिए लक्ष्मी जी, गणेश जी जो इस बार आशु लेकर आए, कितने सुंदर है, मुझे तो लक्ष्मी जी इतने सुंदर, मतलब नथिया और मांग टीका पहनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार उनके कपड़े भी बहुत ही डिफरेंट आशु लेकर आए थे, मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया था, सो बहुत अच्छा लगा। एंड लास्ट में मतलब पूजा अच्छे से हो गई, आदु ने भी आकर फिर लास्ट में प्रणाम कर लिया था और बस। सो मैंने सोचा कि इस बार
इस बार आप लोगों के साथ अपना जो दिवाली का पूजा है वही मैं शेयर करती हूँ। पिछले बार जो मेरा ब्लॉग आया था वो फर्स्ट ब्लॉग था दिवाली का, एंड ये वाला सेकंड ब्लॉग है। तो पिछले बार तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा जो मस्ती किए थे, खाना पीना मस्ती एंड क्रैकर्स, ये सारी चीज़ें शेयर की थी। आज थोड़ा सा सोचा कि इस बार जो है वो मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो बस यहाँ पर लक्ष्मी जी गणेश जी को मैं रेडी कर रही हूँ। कपड़े मैंने उनके जो सबसे पहले होता है ना कि कपड़े पहनाए जाते हैं, तो वो मैंने कर दिया है। और अभी थोड़ा सा हल्का सा बस डेकोरेट कर लूँगी, जैसे छोटे छोटे माला भी पहना दूंगी एंड साथ ही में जितना भी हो पाया मेरे से इस बार, क्योंकि इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। पहले भी मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर की हुई है, क्योंकि हम लोग को जस्ट अब 5-6 डेज के बाद शिफ्ट करना है, एंड दिवाली के एक दिन बाद फिर से घर जाना, मतलब जो नया वाला फ्लैट है वहाँ पे भी जाना है। आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी मैं कि हमने कौन सा फ्लैट लिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सो इस वजह से। बट फिर भी जितना भी है सब अच्छा से ही हुआ, एंड आई विश कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी बीती होगी। एंड आप लोगों के लिए मैं प्रे करती हूँ भगवान जी से कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से रहिए, एंड आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ मिले, एंड दिवाली तो होती ही है खुशियों का त्यौहार। सो बस यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद पूजा हो गई थी हमारी, एंड उसके बाद खाना पीना मस्ती यही सब हुआ दिवाली पे। मुझे उतने अच्छे से पूजा करने की जो विधि विधान या विधि आप बोल सकते हैं वो सब नहीं पता है, बट हाँ जितना मुझे पता है या बड़े लोग जो भी बताते हैं उसी हिसाब से मैं करती हूँ, दिल से पूजा करती हूँ। एंड आई नो कि सबके घरों में पूजा करने की जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बहुत जगह पे पंडित जी भी आते हैं पूजा करवाने के लिए दिवाली पे भी, और बट हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। सो बस दिल से पूजा करती हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से रहे, एंड यहाँ पे पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आशु जो है वो टीका लगा रहे हैं भगवान जी को, फिर जल अर्पण करेंगे, फिर भोग प्रसाद जिसके लिए हमने लड्डू मंगाया था वो सारी चीज़ें होंगी, एंड पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़े से दिए जलाए, एंड उसके बाद मस्ती किया, खाना पीना हुआ, बस यही चीज़ हुआ। जाओ प्रणाम कर लो भगवान जी को, जाओ पापा के पास जाओ, क्या हो रहा है बेटा, जाओ पापा के पास जाओ, दो पापा पूजा कर रहे हैं।
दिया वगैरह सब कुछ जल गया एंड उधर लाइट्स भी ऑन कर दी एंड मैंने अभी तक ड्रेस नहीं चेंज किया, मैंने आज ये येल्लो येल्लो मस्टर्ड येल्लो पहना है दिवाली के लिए, क्योंकि थोड़ा सा येल्लो रेड ये सब अच्छा लगता है दिवाली में। एंड इन लोगों का तो ड्रेस भी चेंज हो गया है, बट मैं फोटो लास्ट में लगा दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि आशु ने क्या पहना था, आदू ने क्या पहना था। आदू का तो इतना मुश्किल से फोटो मतलब मैंने क्लिक किया ना, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल जिस दिन भी अच्छे से तैयार होता है ना, तैयार क्या मतलब अच्छा ड्रेस पहनता ना उस दिन, तो और क्लिक ही नहीं कराता है फोटोज, और सब बच्चे लोग कितने अच्छे से क्लिक कराते हैं, बट इसका फिर भी एक दो फोटो कुछ कुछ जो है वो अच्छे आए हैं इसके, और छोटा है मुझे समझना चाहिए, बट होता है ना मॉम लोग को थोड़ा सा रहता है कि मेमोरीज बन जाए एंड फोटोग्राफ्स रहे बच्चों के, तो ये रहता है। इतने पटाखों की आवाज़ आ रही है ना मुझे दिवाली में, बस एक यही चीज़ जो है ना मतलब इतना ज़्यादा पटाखे आवाज़ आने लगती है शाम होते ही, पूजा ख़त्म होते ही, इवन कि हम लोग पूजा भी कर रहे थे तो पटाखों की आवाज़ उसी से सर भारी हो जाता है। सो बस यही सब है एंड आज हमने दोपहर को तो बाहर से ही खा लिया था, और दोपहर में एक ब्लॉग एंड करके दोबारा से ब्लॉग ये वाला स्टार्ट किया मैंने, और सो आज कोई भी मैं रेसिपी वगैरह का जो रेसिपी वगैरह मैं कोई भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस दिवाली विश रहेगा, ये स्पेशल ब्लॉग्स है बस दिवाली के लिए। एंड कल से हम लोग आएंगे अब वापस से नॉर्मल रूटीन, ये लोग बात ही करने नहीं दे रहे, इतना हल्ला कर रहे हैं, और उधर पटाखे की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोग तक सही से पहुँच रही है कि नहीं, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हूँ। सो बस अब कल से नॉर्मल रूटीन में, और इतने सारे मेरे कपड़े रखे हुए, खैर अभी दिवाली जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी दो तीन घंटे और इन्जॉय कर लेते हैं दिवाली को, और उसके बाद कल से नॉर्मल रूटीन में। एंड अभी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, लाइक आप लोगों को पता ही है, तो उन सब चीज़ों में भी लगना है, शिफ्टिंग इन ऑल, पैकिंग इन ऑल फिर से। कल एक चीज़ अच्छा है कि संडे है कल, तो आदू सो कल एक चीज़ अच्छा है ना कि कल जो है वो संडे है, तो आशु में कन्फ्यूज़न, सो आशु का कल छुट्टी है तो वो अच्छा रहेगा। ओली बॉपले प्यारू कर दो मम्मा को, मम्मा को प्यारू कर दो, कोई नहीं कर रहा मम्मा को प्यारू, आदू प्लीज़ एक बार प्यारू, एक बार प्यारू। और ये देखिए रात में क्या होता है, इन दोनों की फाइट चलती है, मस्ती 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 में। आदो क्या कर रहे हो, आदो क्या कर लो, तुमको कर लो, तुमको कर लो, ये देखो पिट्टी कर दो, पिट्टी चुपचाप खेल रहा था मेरे साथ, जैसे तुम्हारा ही बड़ा गया तुम्हारा पीला ड्रेस देख के। अच्छा सुन लो, जब मैं एडिट कर रही थी अभी वीडियो, फिर अभी आई हूँ रूम में, वैसे सच में जब मतलब किसी को देख लेता है ना तो और आदू का शुरू हो जाता है, टुकु 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 टुकु, सब लोग बोलते हैं कि आदू कितना शांत बच्चा है, कितना क्यूट है, क्यूट तो है नो डाउट, बट शांत तो बिल्कुल नहीं है, हम लोग के साथ रहता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, खैर अच्छा है मस्ती करते रहे वही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब बीमार होते हैं बच्चे तब पता चलता है फिर। खैर ये सब बातें तो होते रहेंगी, अभी के लिए मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से अब नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर गाइस, बी हैप्पी एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और लाइफ सेलिब्रेट करते रहिए, दिवाली सेलिब्रेट करते रहिए, आप लोगों का आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा बीते, आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी बीते। और आशु इतना कौन बोलता है, मैं हैप्पी दिवाली बोलो फिर, बोलो हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, फिर से बोल दो आदू हैप्पी दिवाली।